सो हेलो गाइस, आज मैं आपको बड़ा अच्छा काम बताने वाला हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे काम के बारे में बताएंगे, एक ऐसे व्यापार के बारे में बताएंगे जिसमें कम से कम पैसे में आप होलसेलिंग का काम शुरू कर सकते हो। हाँ दोस्तों, हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही कम पैसे में होलसेलिंग के काम के बारे में बताएंगे और किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से आपको कम पैसे लगाकर आपको लाखों रुपए का व्यापार खड़ा करना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो अगर आप भी खुद का व्यापार करना चाहते हो, खुद का बिजनेस करना चाहते हो, आप तंग आ चुके हो दूसरों का काम करते करते, आप थक चुके हो दूसरे के नीचे काम करते करते, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको जो काम बताने वाले हैं, इस काम को आप कम पैसे से शुरू करके आप लाखों का व्यापार खड़ा कर सकते हो। तो कैसे, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो सीधे चलते हैं टॉपिक पे कि कौन सा वो बिजनेस है, कैसे आपको शुरू करना है। तो आज हम आप लोगों को जिस बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं वो है लेदर का बेल्टों का व्यापार। हाँ दोस्तों, हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि लेदर की बेल्ट और फर्श की जो दुकानें हैं वो तो तरह तरह चौराहे पे, हर जगह पे, हर एक मार्केट में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक होलसेलिंग की बात करने वाले हैं कि होलसेलिंग से आप अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो और आपको उन दुकानों पे सप्लाई कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास कम पैसे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि हर एक के काम में कंपटीशन है, ये हम नकार नहीं सकते। कोई भी काम स्टार्ट करें लेकिन उसमें कंपटीशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब हम अपने गांव ग्रामीण इलाके में देखें, जो छोटे छोटे मार्केट लगते हैं, छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, वहां पे देखें तो ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा चलने वाला माना जाता है और ये बिजनेस जो हम आपको बताने वाले हैं ये चलेगा ही चलेगा। लेकिन आपको इस तरीकों को फॉलो करना होगा। सबसे पहली बात कि आप उन दुकानों पर जाइए जो भी आपके छोटे छोटे मार्केट हैं, यानी 10 से 20 मार्केट हैं, आप करीब 50 किलोमीटर की रेंज को लीजिए, 50 किलोमीटर की रेंज को कवर करिए और वहाँ पर जो भी जितने भी बेल्ट लेदर के फर्शों की दो दुकानें हैं वहाँ पर जाइए, उनसे बोलिए कि आप कहाँ से माल खरीदते हो, कौन सी क्वालिटी का माल खरीदते हो और कितने रुपए का खरीदते हो। सारी चीज़ आप अपनी एक आपके पास डायरी होगी उस पर आप नोट करोगे और उनका मोबाइल नंबर भी उस पर नोट करोगे। जैसे आपने मोबाइल नंबर और सारी डिटेल उन दुकानदारों से कलेक्ट कर ली, इसके बाद आपको जाना है कानपुर। दोस्तों कानपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लेदर की तमाम कंपनियाँ फैक्ट्री वहाँ पे उपलब्ध हैं, जहाँ पे चमड़े का काम हुआ करता है, लेदर का काम हुआ करता है और लेदर और चमड़े का बेल्ट बनाया जाता है और फर्श भी बताया बॉलेट भी बनाए जाते हैं, फर्श बॉलेट भी बनाए जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे अगर आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, किसी भी कंपनी में आपको जाकर इस चीज़ों का रेट पूछना है, रेट पूछना है। आपको लगे कि हाँ हमें इस कंपनी में जो वो व्यक्ति बचा रहा है बता रहा है उससे भी हमें बहुत कम में मिल रहा है, क्योंकि जहाँ कंपनी की बात करें तो वहाँ आपको जो यहाँ 150 रुपये का लेदर का बेल्ट मिलेगा और लेदर का और चमड़े का 300 रुपये का मिलेगा, वो आपको मात्र लेदर का मुश्किल में 20 रुपये का मिल जाएगा और चमड़े की बात करें तो वो 50 रुपये का मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको जिस कंपनी में से आपकी डील हो जाती है, पक्की बात हो जाती है, उस कंपनी से आपके पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं है, उस कंपनी का जितना भी आइटम है लेडीज से और जेंट्स लेडीज के एक एक बंडल उठाकर लाना है, करीब एक एक बंडल आप सारी क्वालिटी की उठाकर लाना है। उठाने के बाद आपको उन दुकानों पर आना है और उन दुकानों पर कहना है कि हमारे पास ये सैंपल है, आप देख सकते हो, इनको चेक कर सकते हो, हमारे पास ये सैंपल है और जहाँ से आप माल खरीद रहे हो उससे भी हम तो आपको 5 रुपये सस्ता देंगे, पर पीस पे 5 रुपये सस्ता देंगे। आपको इस तरह से बात करना है उनसे, क्योंकि तो जब भी मार्केटिंग हम करते हैं तो कुछ अलग करना होता है। आप शुरू शुरू में कम कमाइए लेकिन जब आपकी ज़्यादा बिक्री होने लग जाए तो आप अपने मन चाहा पैसा कमा सकते हो, लेकिन जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं उस समय पे हमें देखना है कि प्रॉफिट हमें भले ही कम मिले लेकिन हमारा माल ज़्यादा सेल होना चाहिए। जब माल ज़्यादा सेल होगा तो प्रॉफिट भी खुद में खुद अच्छा आएगा।
तो आपको वहां पे सबसे पूछना है, और जो भी जब हम मार्केट में जाते हैं घूमते हैं तो ऑर्डर तो हमें ऑटोमेटिक मिल ही जाते हैं। जब आप 10 दुकानों पे जाओगे तो 10 दुकानों पे से एक दो दुकानदार ऐसे होंगे जो आपका माल लेने के लिए राजी हो जाएंगे। ये हकीकत है, रियल है, किसी भी मार्केटिंग में आप चले जाइए, रियल है। जब वो लोग मान जाते हैं तो उनको जितना भी माल चाहिए, दो दो बंडल, चार चार बंडल, आप उन कॉपी पे नोट करिए, उनका मोबाइल नंबर लीजिए, और हो सके तो उनसे आप कुछ पैसे भी ले सकते हो। लेकिन शुरू शुरू में पैसे कोई नहीं देगा, मैं भी जानता हूं, और शुरू में कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं देगा। तो ठीक है, आप वहां जितने भी आपको 50 ऑर्डर मिल जाते हैं, 50 ऑर्डर भी मिल जाते हैं अगर, और 50 ऑर्डर भी मिल जाते हो अगर 50 ऑर्डर पे अगर आपने एक दुकान पे दो दो बंडल भी रखे तो 50 आपके 100 बंडल दुकानों पे सेल होने वाले हैं। तो 100 बंडल के लिए आप कानपुर पे जाइए, और वहां से आपके पास 100 बंडल के लिए तो आपके पास करीब आपको 50-60 हजार रुपये तो आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना ही होगा। तो 100 बंडल आप वहां से खरीद कर लाइए, 100 बंडल आप खरीद कर लाओगे कंपनी से, और दो दो बंडल हर एक दुकान पे दे दोगे, जो जो व्यक्ति, जो दुकानदार वो लेना चाहता है। उन दुकानों को आपने जो भी डिटेल रखी है, उन दुकानों पे जितना वो माल चाहते हैं उतना आप माल रखोगे। और अगर आप एक बंडल से अगर आप 100 रुपये कमाते हो एक बंडल से, तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हो, 10 बंडलों से आप 1000 कमाओगे, और 20 बंडल से 2000 कमाओगे, और 50 बंडल से 5000, मतलब 10000 की अर्निंग हो जाएगी। हाँ दोस्तों, हाँ, एक बंडल से अगर आप 100 रुपये कमाते हो, एक पीस से 10 रुपये कमाते हो, तो भी आप एक बंडल से, क्योंकि एक बंडल में करीब 10 बेल्ट से भी ज़्यादा होते हैं, एक बंडल में करीब 10 पीस से भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप एक बंडल से 100 रुपये कमाते हो, मात्र 100 रुपये, और अगर आप 50 रुपये भी कमाते हो, तो एक दिन की कमाई, आपकी एक दिन की कमाई करीब आपकी 5000 रुपये होने वाली है। इसमें खर्चा जो भी खर्चा काटने के बाद भी आप एक दिन की कमाई 3000 रुपये कमा सकते हो, 3000। और इसके बाद आप दूसरे मार्केट में जाइए, तीसरे मार्केट में जाइए, आप 50 किलोमीटर की रेंज में आप जितने भी मार्केट छोटे छोटे पड़ते हैं, दुकानें छोटी छोटी पड़ती हैं, हर एक दुकान पर घूमिए, हर एक दुकान पर जाइए, और इस तरह का अपना जो ऑर्डर है वो अपना नोटबुक है उसको साथ में लेते हुए जाइए, और सैंपल आप अपने बैग में रखे हुए जाइए और बात करिए, और इस तरह से आप अपना काम स्टार्ट करके आप अपने पूरे बल्ड मतलब पूरे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आप पूरे मार्केट को भी कवर कर सकते हो। आप अभी 50 किलोमीटर की रेंज में अपना मार्केट फैला रहे थे, धीरे धीरे आप 100 किलोमीटर की रेंज में फैलाओगे, धीरे धीरे आप और भी लड़कों को काम पर लगाओगे, और धीरे धीरे आप करोड़ों रुपये का व्यापार खड़ा कर सकते हो इस व्यापार से। दोस्तों काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस करने वाले में हुनर होना चाहिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस करने वाले में हुनर होना चाहिए। अगर काम करने में हुनर है तो दोस्तों कमाने में कोई हर्ज नहीं, कमा भी हम लाखों सकते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना है और दिमाग का इस्तेमाल करना है। अगर दिमाग का इस्तेमाल कर लिया तो आप बैठे बैठे भी पैसे कमा सकते हो, क्योंकि कुछ वीडियो हम ऐसे भी बनाते हैं जिसमें आपको बैठे बैठे काम करना है और बिजनेस और खुद का पैसा कमाना है। तो आज का ये वीडियो हम आप लोगों को इसी टॉपिक पर लाए थे। तो आज के इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों जितना भी हम वीडियो में जो भी बताते हैं वो रियल बताते हैं, जर्मन बताते हैं, आप बिलीव कीजिए, जो भी हम बताते हैं हम बिल्कुल रियल बताते हैं, ना हवा हवाई में बात नहीं करते दोस्तों, विश्वास करिए। क्योंकि हम जितने भी काम बताते हैं वो सर्च करते हैं, उनको समझते हैं, इसके बाद हम आप लोगों के सामने लाते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आगे जाएंगे और अच्छे अच्छे वीडियो आप तक ला पाएंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।